अगर आप भी दिल्ली के अंदर हाई राइज अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर G+24 फ्लोर का हाई राइज अपार्टमेंट लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, किड्स प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, सारी एमिनिटीज आपको इसमें इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। और जो प्रोजेक्ट का जो डेवलपर होने वाला है वो गैलेक्सी ग्रुप होने वाला है। और मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो आपको सारी चीजें गैलेक्सी डेवलपर के बारे में, लोकेशन के बारे में सारी चीजें आपको ब्रीफ करता हूँ, आप बस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो हेलो एवरीवन, नितिन उपाध्याय दिस साइड। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आप सभी को कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या प्लॉट्स हो, सारी अपडेट मिलती रहती है। तो आज फिर आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर मैं लॉरेंस रोड ब्रिटानिया चौक पर हाई राइज अपार्टमेंट की अपडेट लेकर आया हूं, जो कि हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो गैलेक्सी ग्रुप का रहेगा। अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो ये हमारा लोकेशन रहने वाला, अगर आप मेरे साथ में देख रहे हैं तो रिंग रोड की कनेक्टिविटी होने वाली है, आजादपुर से लेके ढोला कुआं को तक को कनेक्ट करती है रिंग रोड। और रिंग रोड की कनेक्टिविटी रहने वाली, अगर मैं बात करूं मेट्रो स्टेशन की, तो सामने अगर आप देख रहे हैं तो मेट्रो लाइन है, पिंक लाइन, और साथ में ही सकूरपुर मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। बात करता हूँ रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन भी आपको 10 मिनट का डिस्टेंस रहेगा, सकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन भी आपको मिलेगा। और अब मैं बात करता हूँ कि कहीं भी घर लेने से पहले जो फैमिली की जो नीड होती है वो होती है हमारी हॉस्पिटल, वर्किंग स्पेस, जो हमारा एक ऑफिस हब होता है, इंडस्ट्रियल हब होता है, और स्कूल और कॉलेजेस। तो सारी ये सारी चीजें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज इस लोकेशन के बिल्कुल आसपास है। अगर मैं बात करूँ वर्किंग स्पेस की, तो वजीरपुर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आपका काम इंडस्ट्रियल एरिया से है तो आपको कनेक्टिविटी मतलब आपको इससे फायदा होने वाला है। और बात करूं मैं ऑफिस अगर वर्किंग है, आपके सामने ही हमारा नेताजी सुभाष प्लेस है, जो कि एक ऑफिस हब है, कि नेताजी सुभाष प्लेस के नाम से जाना जाता है। और हॉस्पिटल अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, तो ये सामने भी अगर आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल बन रहा है अभी, और ये काफी अच्छी लोकेशन है। आपका प्रोजेक्ट जो रहने वाला है वो चारों साइड से ओपन रहने वाला है, टू साइड से आपकी एंट्री होने वाली है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका लॉरेंस रोड से कनेक्टिविटी रहने वाली है प्रोजेक्ट की। और एक बार इस साइड देखेंगे आप, तो इस साइड से भी आपको जो ब्लू साइड दिख रही है वो भी हमारा प्रोजेक्ट का दूसरा सेकंड एंट्री एग्जिट होने वाला है। तो टू साइड से आपका एंट्री एग्जिट होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की, तो 3 एकड़ की लैंड पर यह प्रोजेक्ट बन रहा है। तो आइए देर ना करते हुए मैं प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ आपको, और बताता हूँ प्रोजेक्ट और गैलेक्सी डेवलपर के बारे में। तो मैं साइट के अंदर आ चुका हूँ, आप देखेंगे तो ये जो सामने गेट देख रहे हैं ये हमारा एंट्रेंस रहने वाला है, और एक हमारा इस साइड एंट्रेंस रहने वाला है। मेन एंट्रेंस आपका यही रहेगा जो कि लॉरेंस रोड पर है, और ये हमारा सेकेंड एंट्रेंस रहेगा जो कि ये रिंग रोड पे कनेक्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की लैंड की, तो ये आप जो टोटल लैंड जो देख रहे हैं 3.25 एकड़ की लैंड पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और अब इसमें जो बना रहे हैं वो डेवलपर बताता हूं मैं आपको, पहले गैलेक्सी ग्रुप इसको बना रहा है। तो गैलेक्सी ग्रुप के जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है ऑलरेडी जो डिलीवर्ड कर रखे हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कर रखे हैं इन्होंने। जैसे मैं बात करता हूँ गैलेक्सी ब्लू सफायर, गैलेक्सी रॉयल, गैलेक्सी प्लाजा, गैलेक्सी वेगा है दिल्ली और नोएडा के अंदर जो इन्होंने डिलीवर्ड कर रखे हैं, और दिल्ली के अंदर भी ये पांचवा प्रोजेक्ट है। और बाकी सारे रोहिणी सेक्टर 18 में, नेताजी सुभाष प्लेस में, पश्चिम विहार में, और हमारा पुरान दिल्ली चांदनी चौक में नोल्टी स्ट्रीट नाम से, ये सारे प्रोजेक्ट इनके ऑनगोइंग है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो पांचवा प्रोजेक्ट ये है जो कि, और इनके जितने भी प्रोजेक्ट है सारे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और टाइम से पहले डिलीवर्ड होते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है गैलेक्सी का कि एक भी प्रोजेक्ट रेरा ने जो डेट दिया उससे डिले नहीं हुआ है, उससे टाइम से पहले ही डिलीवर्ड कर देते हैं। तो गैलेक्सी ग्रुप का ये खासियत है। मेन बात अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट टोटल 3.25 एकड़ में बन रहा है। इसमें आपको 4 टावर बना के दिए जा रहा है, जिसमें आपको 3 BHK, 3 BHK सर्वेंट रूम और 4 BHK के फ्लैट इसमें मिलने वाले हैं, और वो भी सारी एमिनिटीज के साथ।
जैसे एमिनिटीज मैंने आपको बताई थी, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, किड्स प्ले एरिया, मतलब हाई राइज अपार्टमेंट में, हाई राइज सोसाइटी में जो जो एमिनिटीज होती है वो सारी एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। और मैंने आपको बताई दिया था कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीजें बता चुका हूँ। और यहाँ के लोगों को एक मैं बताता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ पहले मैं आपको अब रेट का, तो यहाँ पे जो लोकल बिल्डर फ्लोर है ना वो भी आपको 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है 3 BHK का। जैसे हमारा रानी बाग हो गया, पीतमपुरा हो गया, शालीमार बाग, अशोक विहार, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, तो यहाँ के आसपास के जो बिल्डर फ्लोर है, जो लोकल बिल्डर फ्लोर होते हैं उसका मैं रेट बता दूं तो 3.5-3.5 करोड़ रुपए से उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, जहां पर आपको ना कोई स्विमिंग पूल, ना क्लब हाउस, ना किड्स प्ले एरिया, मतलब कोई गार्डन वार्डन कुछ कोई एमिनिटीज नहीं मिलती, तो वहां पे ये रेट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो आपका हाई राइज अपार्टमेंट बन रहा है वो भी सारी सिक्योरिटी और सारी एमिनिटीज के साथ, तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ अदर बिल्डर प्रोजेक्टों का, तो जैसे हमारा रहेजा ग्रुप है उसका 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है, DLF है मोती नगर में तो उसका भी हमारा लगभग 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। अभी कीर्ति नगर में तारक वालों का एक प्रोजेक्ट अभी हुआ है तो प्री लॉन्चिंग पर है, तो उसका भी रेट जो हमें पता चला है वो 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट वहां पर भी है। और यूनिटी आप देख ही रहे करोल बाग में, उसमें भी आपका 23-24 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो रेट के मामले में अगर मैं बताऊं तो गैलेक्सी ग्रुप जहां पे प्रोजेक्ट करता है, लॉन्च करता है, तो वहां के जो एरिया में और अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रेट का कंपैरिजन होता है, तो गैलेक्सी ग्रुप हमेशा कम रेट पर करता है और ताकि उनका प्रोजेक्ट काफी जल्दी सोल्ड हो जाता है। यही रीजन है गैलेक्सी ग्रुप का सबसे पहले प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होने का। तो इसका जो रेट रहने वाला है वो 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट रहेगा जो मार्केट रेट है, और इसमें आपको 1,000 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट मिल रहा है हमारी साइड से, मतलब आपका 16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो गया। बाकी ये रेट तो ऑन कॉल वाली है, अगर आप मीटिंग में बैठते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट जो मार्केट में रेट होगा उससे मैं वादा करता हूँ कि उससे आपको कम रेट ही मैं दूंगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, अभी रेट का भी मैंने आपको बता दिया, मैं बताता हूँ इसमें साइजेस क्या क्या मिल रहे हैं। तो इसमें 2271 स्क्वायर फीट का आपका 3 BHK का साइज रहने वाला है, और इसमें 3 BHK सर्वेंट रूम का आपका रहने वाला है 2645 स्क्वायर फीट, और आपका 4 BHK का जो साइज रहेगा वो 3054 स्क्वायर फीट का साइज इसमें रहने वाला है। और एमिनिटीज मैंने बताई दी है सारी चीजें। तो अब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखें तो लॉरेंस रोड पे सामने, अगर आप अपोजिट साइड देखें तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, और त्रिनगर में देखें तो इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रीज वगैरह है, तो अगर आप उनमें से बिलोंग करते हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इस रेट पर फ्लैट लेना, जो कि यहाँ से आपका 10 मिनट का डिस्टेंस रहेगा, आप अपनी फैक्ट्री में भी जा सकते हैं। अगर मैंने आपको बताई दिया था कि नेताजी सुभाष प्लेस हमारा 1.5 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है लगभग, तो वहां पे भी अगर आप ऑफिस वर्क से बिलोंग करते हैं, सीए है, एडवोकेट है, तो आप अपना ऑफिस ऑपरेट कर सकते हैं अगर, तो ये उस चीज के लिए भी आपका इसमें फायदा रहेगा कि हाँ आपका बेनिफिट होगा कि टाइम की बहुत बचत होगी, और आज के टाइम में टाइम को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई दी, सारी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट के नियरेस्ट मिल जाती है 10 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो सारी चीजें है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इस प्रोजेक्ट का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जो ये लैंड आप देख रहे हैं ये पहले नेफेड का कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था यहाँ पे, तो ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से परचेस करके ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फ्री होल्ड लैंड है, लोन अवेलेबल है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि लोन हो जाए तो आपका 80% तक इसमें आपका लोन हो सकता है। और पेमेंट प्लान, अब मैं बात करता हूँ पेमेंट प्लान की, तो इसमें जो पेमेंट प्लान रहने वाला है वो आपका 35% का पेमेंट प्लान रहने वाला है। 35% आपको अभी पे करना है, 35% आपको ऑन सुपरस्ट्रक्चर पे देना है, जब आपका 24 मंजिल का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो जाएगा तब देना है, और आपको 30% आपको ऑन पोजिशन देना है रेस्ट के टाइम पे। आपका जो इसमें पेमेंट प्लान है वो भी काफी फ्लेक्सीबल है, अगर आप लोन करवाना चाहते हैं तो 80% तक लोन भी हो जाएगा इसमें। अगर आप भी अपने और अपनी फैमिली का सपनों का घर बुक करवाना चाहते हैं और सर्च कर रहे थे, तो मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अच्छे यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है और अच्छे रेट पर अवेलेबल है, जो कि पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट प्लान मैंने आपको बताई दिया, बैंक लोन अवेलेबल है, सारी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट में करें, सीधा डायरेक्ट कॉल करें, और 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे को कॉल करें और मैं आपको डायरेक्ट आपको उसका मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करता हूँ और अपॉइंटमेंट बुक करवाएं मुझसे। मुझे कॉल करके अपनी साइट विजिट बुक करवा सकते हैं, मैं आपकी साइट विजिट भी बुक करवा दूंगा। यहाँ से पास में ही हमारा हेड ऑफिस है, वहीं पे मेरी सेटिंग होती है। आप जब भी आए तो मुझे कॉल करें, मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर और भी अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ, कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।